सर्दियों के दिनों में कारगिल में मनाया जाने वाला त्योहार ममानी वहाँ के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस त्योहार का मकसद वहाँ के पारंपरिक व्यंजनों को उजागर करना और गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की मदद करना है। इस त्योहार को मनाने के लिए स्थानीय लोग अपने घरों से पारंपरिक व्यंजन लाते हैं और कम्युनिटी हॉल में एकत्रित होते हैं। इसके बाद सभी एक साथ भोजन करते हैं। कई लोग एक दूसरे को अपने घर भोजन पर भी बुलाते हैं। सर्दियों के मौसम में चारों ओर बर्फ से घिरे कारगिल में ये त्योहार गर्मजोशी और आपसी भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। जो है जुमे को पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में ममानी का त्यौहार जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ये ममानी का त्यौहार खत्ते लद्दाख के कदीम परंपराओं में से कदीम रस्मों में से है जो कि तमाम छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे सब शोक जोक के साथ इस परंपरा में शिरकत करते हैं और ये जो है ममानी का त्यौहार कदीम ज़माने से चले आ रहे हैं। पहला तो हमारे दीन ने कहा है कि सब मिल के रहें, सब मिलजुल के सबको इकट्ठा होकर रहना है। इसमें जो है कम से कम आज के दिन जो है सब यहाँ जमा होकर एक दूसरे के साथ गले मिलता है, एक दूसरे को सलाम अलैक कहते हैं, एक दूसरे के अहवाल पुष्टि करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है और इसके ज़रिए से हमारे जो इस दुनिया से गुजर गए हैं हमारे घरों में से मिसाल जिसके बाप दादे या मिसाल ऐसे उनको कम से कम आज के इस ममानी के ज़रिए से उनको फातिहा मिलते हैं जो इस्लामी तौर तरीक़े से जो पहले बुद्धिज़्म थे उनके तौर तरीक़े से मनाया जाता है। अब जो यहाँ के अक्सर जो है डिस्ट्रिक्ट कारगिल के पब्लिक जो है इस्लामिक उस वो है, इसलिए हमने इस्लामी रंग में जो है इसको ला के अभी फातिहा खानी करते हैं, हमारे मरहूमीन के लिए फातिहा पढ़ते हैं, कुरान खानी करते हैं। जी की अपडेट रहें हमारे साथ। जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए लॉग ऑन करें jkupdate.com पर, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें जेके अपडेट मोबाइल ऐप। सब्सक्राइब करें जेके अपडेट यूट्यूब चैनल और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज लाइक करना न भूलें।